Everyone, let's take some more languages and design the grammar for that. Let's say the languages A power n and B power n, where n is greater than or equal to 1. तो इस लैंग्वेज का मीनिंग ये है कि पहले A आएंगे, देन B आएंगे, और A की संख्या B के इक्वल होगी। तो जो लैंग्वेज इससे जनरेट होगी उसमें स्ट्रिंग्स हम देख लेते हैं। सो दे विल बी ए ए सॉरी ए बी, देन डबल ए डबल बी, देन ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी। सो द नंबर ऑफ एज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बीज। तो पहले ए आएंगे एंड देन बी आएंगे। तो हम सबसे छोटी स्ट्रिंग हमारी जो है वो ए बी है, इसी के अकॉर्डिंग हम ग्रामर लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमारी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होगी और बी से एंड होगी, और इसके बाद बीच में मान लेते हैं कि ए है जो कि और ए बी या इसी टाइप का जनरेट करेगा। सो कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, कैपिटल ए बी या एप्सिलॉन। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसको मुझे जनरेट कराना है, जिसको मुझे डिराइव करना है, तो लेट्स से स्ट्रिंग इज डबल ए डबल बी। सो हाउ विल दिस बी जनरेटेड? एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए बी, एंड देन दिस ए जनरेट्स स्मॉल ए कैपिटल ए बी, एंड दिस ए जनरेट्स एप्सिलॉन। सो डेराइवेशन में डबल ए एप्सिलॉन एंड डबल बी, इसका मतलब है कि आपने वही स्ट्रिंग डिराइव कर ली इस ग्रामर से। सो दिस इज दी ग्रामर फॉर ए पावर एन एंड बी पावर एन। मान लीजिए कि यहाँ पे जो ग्रामर है उसमें एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 की जगह एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। सो दिस इज ए पावर एन एंड बी पावर एन एंड एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये जो स्ट्रिंग का सेट हमने बनाया है इसमें एप्सिलॉन भी इसका पार्ट हो जाता है। उस केस में हमें इंश्योर करना है कि स्टार्ट सिंबल एप्सिलॉन को भी प्रोड्यूस करता है। सो वी कैन से दिस रेस्ट ऑफ द थिंग्स और द रेस्ट ऑफ द ग्रामर विल रिमेन द सेम। सो दिस इज द ग्रामर। नाउ लेट्स से मेरे पास एक लैंग्वेज है एंड दैट लैंग्वेज सेज दैट ए पावर एन एंड बी पावर टू एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो जो लैंग्वेज का सेट होगा उसमें हम ये कहेंगे कि ए की संख्या जो है बी की संख्या उसकी दुगनी होगी। अगर ए 2 है तो बी 4 होंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर हमें इसके लिए ग्रामर बनाना है तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्शंस हैं वो प्रोडक्शंस इसी तरह की चीजों को जनरेट करें। तो हम सबसे स्मॉल जो स्ट्रिंग है उसके अकॉर्डिंग ग्रामर लिखने की कोशिश करते हैं। पहले एज आएंगे, देन बीज आएंगे, बीच में सेम तरह का जनरेशन होगा। सो लेट्स से स्मॉल कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए एंड बी, एंड ए एप्सिलॉन भी प्रोड्यूस करता है। तो एक एक अगेंस्ट में 2 बीज आएंगे, यही इंश्योर करने के लिए हमने इस तरह का ग्रामर लिखा। फाइन, सो ये जो हमारा ग्रामर है सो दिस विल वर्क फाइन फॉर ए पावर एन एंड बी रेस्ट टू द पावर 2 n। सो इस तरह से ये जो लैंग्वेज हमारी है वो रेगुलर नहीं है क्योंकि इसमें काउंटिंग इन्वॉल्व है। ये हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो गई, और हमने ये भी सीखा इस लेक्चर में कि कैसे कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए हम इस ग्रामर जनरेट करते हैं। सो जो ग्रामर हमने जनरेट किया ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है फॉर द कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।